तो गाइस अभी मेरे साथ हैं हमारे जोमेटो के राइडर, उनकी बाइक हो चुकी थी खराब। अभी देखते हैं स्टार्ट हो रही है नहीं होगी, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत से राइडर परेशान हैं। होगी स्टार्ट उस्ताद, बोल रहे हो गई भाई साहब? हो गई। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। कैसे हुआ आप सभी लोग? गाइस अभी रात के करीबन 11:30 बज चुके हैं और मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके अभी घर जा रहा था, और आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बारिश में खड़ा होके मैं बीच में चला जाता घर पे, तो मेरे को वीकली इंसेंटिव नहीं मिलता। वैसे स्विगी में आज बोल रखा था आप शिफ्ट कंप्लीट नहीं करनी, आप कभी भी अपना टारगेट पूरा करके घर जा सकते हैं, लेकिन मेरे को अपना वीकली इंसेंटिव लेना था। कंपनी ने झांसा दिया था कि आप बीच में कभी भी जा सकते हो अपना टारगेट पूरा करके, वो इसीलिए कि लोगों को थोड़ा सा ये हो कि बारिश हो रही है, अपना टारगेट पूरा करूंगा और घर चला जाऊंगा, लेकिन हफ्ते का जो वीकली इंसेंटिव है ना, वो ना हमें देना पड़े। कहीं ना कहीं कंपनी अपना फायदा सोचती है, क्योंकि आज मैं आपको इसमें जो स्विगी की कमी है ना, जिनकी वजह से राइडर को नुकसान होता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली बात है, वो है स्विगी की फ्लोटिंग। फ्लोटिंग की वजह से भाई बहुत से राइडर परेशान होते हैं, जिसकी वजह से राइडर अपनी आईडी बंद करके चले जाते हैं। स्विगी इस बात पे कोई एक्शन नहीं लेती, अपने राइडर को परेशान होने पे छोड़ देती है। वो ये सोचती है कि राइडर को अगर काम करना होगा तो फ्लोटिंग जमा करेगा, अगर नहीं जमा करेगा तो अपनी आईडी बंद करके अपने घर चला जाएगा, स्विगी का ये मानना है। और दूसरी बात ये है कि स्विगी ने अब क्या कर दिया है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर, लॉन्ग पिकअप वो अब देना शुरू कर दिए हैं राइडर को। वो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा, आज मेरे को लॉन्ग पिकअप का ऑर्डर मिला है ना, वो आपको दिखाता हूँ, पहले वो आप जाके देखो। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी राइडर को इतना पागल समझती है और राइडर को परेशान करती है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही मार रहा है, 11 किलोमीटर का पिकअप नहीं मिलता, पिकअप भी आपको दे सकती है और देती भी है। अभी मेरे को दिया 11 किलोमीटर का पिकअप। अभी मैं, ये शंकर विहार है महिपालपुर के पास, यहाँ पे मैं ऑर्डर देने के लिए आया था, और अभी इसने मेरे को वापस बुला लिया है रामफल चौक सेक्टर 7। वो मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास कहाँ का ऑर्डर आया। अभी इंस्टामार्ट का ऑर्डर है जो मेरे को रामफल चौक सेक्टर 7 से पिकअप करना है। मैं इसका डिस्टेंस दिखाता हूँ कि ये मेरे को कितने किलोमीटर दूर पड़ रहा है जहाँ से मेरे को पिकअप करना है। तो गाइस ये 26 मिनट का रास्ता है, 11 किलोमीटर का पिकअप दिया है। अभी मैं महिपालपुर शंकर बिहार के पास हूँ, ये आर्मी एरिया में। अब देख लो मेरे को यहाँ से जाना है 11 किलोमीटर दूर, वहाँ का पिकअप है ये। गाइस ये देखो आप, और मैं आपने देखा लॉन्ग डिस्टेंस का पिकअप स्विगी ने अभी ही शुरू किया, पहले नहीं था। पहले आपको नियर बाय का पिकअप मिलता था, लेकिन अब आपको 11 किलोमीटर के पिकअप मिल रहे हैं, जिसकी वजह से राइडर बहुत परेशान रहता है। 11 किलोमीटर पिकअप करने के लिए आएगा और आगे फिर 10-11 किलोमीटर उसको दे के आना पड़ेगा। तीसरा, रेन सर्ज। आज बारिश हो रही है, रेन सर्ज मिल रहा है, लेकिन वो आपको 425 में मिलेगा, वो आपका काउंट नहीं होगा टारगेट के अंदर। रेन सर्ज अब ये काउंट नहीं करती, पहले काउंट होता था लेकिन अब काउंट नहीं होता। आगे आगे बारिश आएंगी तो ये प्रॉब्लम इन्होंने फेस करनी है, लेकिन रेन सर्ज का कोई पैसा नहीं मिलना। पेनल्टी का एक इन्होंने ना बहुत अच्छा धंधा पकड़ लिया है कि राइडर के ऊपर पेनल्टी ठोक दो, राइडर से बिना पूछे। कस्टमर ने अगर राइडर की कंप्लेंट कर दी तो या तो उसकी आईडी बंद हो जाती है या फिर उसको अच्छे से पेनल्टी मिल जाती है। ये इन्होंने एक धंधा बना लिया, ना ही राइडर से इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपकी गलती है, ना ही वो कस्टमर से बात करते हैं। राइडर अगर ऑर्डर लेके गया उसमें कस्टमर की गलती है तो सीधा कस्टमर की गलती को नहीं देखेंगे, राइडर पे पेनल्टी ठोक देंगे। कस्टमर अगर ऑर्डर कैंसिल करता है ना तो उसकी भी पेनल्टी राइडर पे आती है कि ये राइडर का ही कोई रिलेटिव है, उसने कैंसिल कराया। आप पहले वेरीफाई तो करो कि वो है कौन, किसने ऑर्डर कैंसिल किया है, आप उसको तो बोलो। था जैसे कोई राइडर ऑर्डर लेके जा रहा है ना, कस्टमर की लोकेशन पे जाके कस्टमर को कॉल कर, लेकिन कस्टमर की कॉल नहीं लग रही, कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहा, फिर वो राइडर टिकट राइज करता है, आधा घंटा एक घंटा वो उसको वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है, फिर वो बार बार टिकट राइज करता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। कई बार सोल्यूशन निकल जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई वो 1.5 घंटा 2 घंटा वहीं पे अपना
खराब करके आता है, और ये सभी राइडरों के साथ उसका टाइम खराब करना। वो कहते हैं 5 मिनट आप वेट करो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। 5 मिनट कह के भाई उसको 1.5 घंटा 2 घंटा इतना टाइम खराब कर देते हैं राइडर का कि राइडर के टाइम की वैल्यू नहीं है। अगर कस्टमर राइडर की कंप्लेंट करता है ना कि भाई राइडर अभी तक नहीं आया, कि 1 मिनट के अंदर अंदर ना राइडर के पास फोन आ जाता है कि हाँ वहाँ पे हो, आपने कस्टमर का ऑर्डर नहीं दिया। आपको ना मैं एक ट्रिक बताऊंगा, कोई कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, कस्टमर केयर उसको कॉल कर रहे हैं और वो फोन नहीं पिक कर रहा, उसका भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी और ना ही आप पे कोई पेनल्टी आएगी। स्विगी की एक और कमी है, वो क्या है, राइडर ने अपनी फूड की आईडी बनवाई लेकिन उसके ऊपर जीनी के और पिकअप एंड ड्रॉप के सब ऑर्डर डालने लग गए। भाई राइडर को अगर ये जीनी फीनी के ऑर्डर करने हैं या ग्रोसरी के ऑर्डर करने हैं तो वो ब्लिंक किट में जाएगा ना, तो ये फूड में क्यों आएगा, वो स्विगी में क्यों आएगा। स्विगी में तभी लोग आते हैं कि इसको फूड का काम करना है, तो राइडर के ऊपर ऑर्डर डाल देंगे जीनी का, फिर उसको बोलेंगे जैसे वो ऑर्डर पिक करता है उसको बोलते हैं कि हाँ भाई मैं नहीं जा पा रहा, उसको कहेंगे कि आपको लेके जाना पड़ेगा नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, आपने ऑर्डर उठा लिया। भाई जब उसके ऊपर ऑर्डर आएगा उसकी ऐप के ऊपर तो वो उसको क्लिक तो करेगा, उसको तो क्लिक करेगा ना उठाने के लिए, वो देखेगा ना कहाँ पे मेरे को जाना है, किस रेस्टोरेंट का खाना है, उसको वो पागल थोड़ी है, वो उसको अनसाइन कर देगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा तो उस पर पेनल्टी आएगी, रिजेक्ट करने पे भी फिर बोलते हैं कि भाई रिजेक्ट कर दिया, ये एक प्रॉब्लम है भाई, कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं उसको, राइडर को डराते हैं कि भाई अब तो दे के आना पड़ेगा नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, आपने ऑर्डर उठा लिया। तो ये कस्टमर केयर उसको डराने की कोशिश करते हैं, भाई आपको डरना। एक नाइट के अंदर कैश के ऑर्डर, भाई कैश के ऑर्डर नाइट के अंदर इतने आते हैं ना भाई, जिससे राइडर परेशान हो जाता है भाई। और कहीं तो हमें ऐसे फ्रॉड लोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से राइडर को भी नुकसान हुआ है, राइडर पे हाथापाई उतर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना ऑर्डर करते हैं और फ्रॉड खाना ऑर्डर करके और राइडर से छीना छपटी करते हैं, इसमें ना तो कंपनी आती है ना ही उनको बोलती है, वो कहते हैं कि आपका ही बंदा था जिसने ऑर्डर कैंसिल करा है। तो राइडर रिस्क पे ऑर्डर लेके जा रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के ऑर्डर लेके जाता है, फिर कंपनी उसका साथ नहीं दे रही। कंपनी ने ना जो ब्लैक जोन कर रखे थे ना उन जोन को भी ना इसने हटा दिया, वहां पे भी ऑर्डर जाना शुरू हो गए, पता है वहां पे भी ऑर्डर जाते हैं, वहां पे भी कंटिन्यू ऑर्डर जा रहे हैं, और वहां के लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर खा जा रहे हैं, करेंगे ऑर्डर और अपना खा जाएंगे। अगर नहीं राइडर देके जाएगा उस पे पेनल्टी आ जाएगी। कैश के ऑर्डर करते हैं, उनको पता है कि भाई नहीं देके जाएगा तब भी राइडर पे पेनल्टी आएगी, देके चला जाएगा तब भी राइडर फंसेगा। कल मैंने एक और बात देखी है जिससे राइडर परेशान इसीलिए हो रहे हैं कि कंपनी ने रिजेक्ट के 2 दे रखे हैं, जो पार्ट टाइम काम करते हैं ना उनको रिजेक्ट में 2 मिलते हैं। जब राइडर 2 रिजेक्ट करता है ना तो उसकी आईडी टर्मिनेट कर देते हैं कि आपने आपके ज्यादा रिजेक्ट हो गए हैं, या तो उसको 2 रिजेक्ट ना दो वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। और कई बार क्या होता है ना, जैसे इनके पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं ना तो आपकी आईडी बंद भी नहीं करने देंगे, अगर कंप्लीट भी हो जाएगी ना तब भी आपके ऊपर जानबूझ के ऑर्डर डालते रहते हैं। जोमेटो में तो ऑप्शन है कि अपनी आईडी आप अगले ऑर्डर के बाद बंद कर सकते हैं, लेकिन स्विगी में ऑप्शन नहीं है, स्विगी में आपको डिलीवर करने के बाद अपनी आईडी ऑफ करनी पड़ती है, ये पंगा है। और जैसे ही आप अपनी आईडी ऑफ करते हैं ना तभी आपके ऊपर ऑर्डर बच जाता है, ये भी बहुत बड़ी कमी है स्विगी के अंदर, ये अपनी कमी है, स्विगी ठीक नहीं कर रही, बिल्कुल भी ठीक नहीं करती, चेंज बिल्कुल भी नहीं करते अपने आप को, ये ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती है, इसके अंदर कमी है, ये हमेशा ही रहती है, जब से स्विगी स्टार्ट हुई है तब से कमी है आ रही है। फायदे पहले फायदे थे लेकिन अब तो नुकसान डबल हो चुके हैं, और ये सभी राइडरों के साथ होता है। अगर आपके साथ हो रखा हो ना तो आप मेरे को कमेंट करके बताना गाइस, अगर आप कमेंट नहीं करोगे हमें पता नहीं लगेगा कि आपके साथ क्या क्या हो रखा है, हम लोगों को बता नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आप कमेंट कर दिया करो जो भी आपके साथ दिक्कतें आ रही हैं। स्विगी ने एक और पंगा कर रखा है फूड वालों के साथ, वो ये कि जब इंस्टामार्ट के राइडर रहते हैं ना तब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलते फूड वालों को, जब इंस्टामार्ट के राइडर चले जाते हैं ना तब उनको पकड़ना शुरू कर देती है कि हाँ भाई तुम आओ अब तुम्हारी बारी है,
दिन में उनको एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, उनको एक भी ऑर्डर नहीं मिलता दिन में। जब चले जाते हैं, आज बारिश का टाइम है, आज भी फूड वालों को इतना पकड़ के रखा भाई, धोखे रख दिया उन्होंने। आज ना कंटिन्यू इंस्टामार्ट के ऑर्डर आए हैं, कंटिन्यू इंस्टामार्ट के ऑर्डर, फूड के ऑर्डर हमारे पे बजे ही नहीं। मार्ट के राइटर ना बैठे बेचारे देखते रहते हैं कि भाई हमारे पे ऑर्डर नहीं आ रहे, फूड वालों पे ऑर्डर आ रहे हैं। स्विगी का छोटा सा बैग है, उसके अंदर 25 किलो का सामान भी लेके जाओ, ठीक है, और उसके अंदर आप 15 किलो का सामान लेके जाओ, आटे के थैले लेके जाओ, वो छोटा सा बैग है, उसके अंदर आप इतना सामान भर के लेके जाना पड़ता है, वो पहले टूट जाता है, वो खिंड जाता है, ऐसे बेचारा खिंड जाता है जैसे उसमें जान आई नहीं। एक तो बैग इन्होंने इतने नकली बना रखे हैं, उसमें सामान आता ही नहीं है, और पैसे पूरे ले लेते हैं इनके बैग के। और ये जो रेनकोट है ना भाई, ये भी कहने का मतलब नाम का ही है, इसके अंदर बारिश रुकती नहीं है, ये गीला हो जाता है। अंदर के कपड़े अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये पूरा गीला है, अंदर के कपड़े भी गीले कर रखे हैं, और पैसे पूरे ले लेते हैं। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है, वो ये कि राइडर पे अगर किसी पे भी पेनल्टी आती है, या उसको कोई भी चीज हटवानी है, या उसको कुछ भी करवाना है, एक इन्होंने चैट का ऑप्शन कर दिया है कि आप चैट करो और अपनी कोई भी चीज हटवानी है या कोई भी चीज ऐड करवानी है, चैट पे ही करो। पहले क्या था, कोई भी बंदा टिकट राइज करता था ना, तो उसके 5 मिनट के बाद उस पे कॉल आ जाती थी कंपनी वालों की, कस्टमर केयर की, कि आप उनको बता सकते थे बोल के कि हाँ मेरे को ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अब चैट पे करो, इतना बंदा आएगा, राइडर ना शॉर्ट में भी लिख रहा है ना, उसको कहता है कि आप ना प्रॉपर लिखो कि आपको दिक्कत क्या है, इतना वो प्रॉपर लिखता है, वो कहते हैं बाय बाय, आप अगली बार टिकट राइज करो, वो बाय बाय करके साफ निकल। स्विगी के अंदर जब से जोमेटो का टीयर है ना, इसने भाई पट्टी मेस कर दी स्विगी की, इसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है ना, हर राइडर परेशान। पहले नहीं था, ऑर्डर कैंसिल होता था तो राइडर पे कोई पेनल्टी नहीं थी, पहले पूछते थे कि हाँ गलती किसकी है, लेकिन अब उस जोमेटो के टीएल ने इतना बुरा हाल कर दिया कि हर तरफ से ना राइडर की ही गलती है। अब ऐसे ही टीएल ने कंपनी के इतने कान भर दिए, अब कंपनी ना जोमेटो की तरह गिक्स लेके आ गई है। गिक्स के बारे में कल मैं आप लोगों के लिए एक अलग सी वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमारे राइडर की क्या राय है, जो ये कंपनी अपनी नई अपडेट लाई है, इसके बारे में हम अलग से बात। तो गाइस, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अपने भाई की सपोर्ट के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।